यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर स्कूल्स ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म. हियर आई कम विद द टॉपिक फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम फॉर द ग्रेड सिक्स. ओके बेटा, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द टर्म फोटोसिंथेसिस. नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टर्म इन डिटेल. फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था बेटा कल. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेरी वेल दैट ओनली एंड ओनली प्लांट्स आर देयर इन द होल वर्ल्ड विच मेक देयर ओन फूड. ओके, प्लांट्स ही हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर ऑन सेल्फ करते हैं, खुद ही करते हैं. ओके, तो एंड वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फूड प्रिपरेशन की. फूड प्रिपरेशन की, तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फूड प्रिपरेशन में किसका रोल होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का. तो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या बेटा. रूट्स, प्लांट्स के अंदर रूट्स प्रेजेंट होती है, तो रूट्स क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड मिनरल्स. जो वाटर और मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो रूट्स के थ्रू, जो प्लांट है रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. ओके, तो रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स तो ट्री को मिल जाएंगे, बट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें थ्री एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से? CO2 means carbon dioxide. Okay. Water and sunlight. Okay. During the photosynthesis process, a plant require three elements, that is carbon dioxide, water and सनलाइट. बेटा जो ये प्रोसेस होगी तभी क्या होगा? फूड प्रिपरेशन होगी. अगर आप एक ट्री को ग्रो करेंगे छाया के अंदर, जहाँ पे आपको सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए उस प्लांट को, तो वहाँ पे फूड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. हाँ, एक और इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि सनलाइट, वाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट. सपोज घर के अंदर आपने एक ट्री ग्रो किया, एक प्लांट ग्रो किया. ओके बेटा, और एक होल कर दो वॉल में. क्या करना है? एक होल करना है जहाँ से आपकी क्या हो जाए, सनलाइट एंटर हो सके. तो जो आपका ये जो प्लांट है, जो ये प्लांट है वो क्या करेगा, उसकी साइड में बेंड हो जाएगा. किसकी साइड में? जहाँ से सनलाइट की जो बीम आ रही है उस साइड में बेंड हो जाएगा. क्यों बेंड हो जाएगा? ताकि मैक्सिमम उसको सनलाइट मिल सके. ओके, दिस मीन्स ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट फॉर मेकिंग देयर फूड. ओके, तो ये बात तो हुई कंपल्सरी. ओके, बात करते हैं एलिमेंट्स, ये मिलेंगे कैसे? सनलाइट डायरेक्ट सन से मिल जाएगा प्लांट को. ओके, वाटर रूट से मिल जाएगा, जो ट्री के रूट्स हैं थ्रू अर्थ. ओके, तो रूट से क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा. अब CO2 कहाँ से मिलेगा? CO2 ऐसे मिलेगा बेटा, जब बात करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम की, तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करते हैं तो वो हम अंदर क्या लेते हैं बेटा? इनटेक क्या करते हैं? क्या इंटेक करते हैं? ऑक्सीजन. क्या इंटेक करते हैं? ऑक्सीजन. ओके, और एनवायरनमेंट में वापस रिलीज हम क्या करते हैं?
क्या रिलीज करते हैं? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड को हम जब ब्रीथ लेते हैं, तो ब्रीथ लेते हैं तो जैसे मैं ब्रीथ ले रहा हूँ, क्या लिया मैंने? ऑक्सीजन. क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो बैलेंस है हमारे एनवायरनमेंट में, इनका जो रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है, इनका रेशियो थ्रू ट्रीज ही मेंटेन हो पाते हैं. और आज के टाइम में जब हम ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है ये आप खुद सोच सकते हैं. क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज अगर कम रहेंगे और पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, तो ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसका रेशियो बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट में, और ऑक्सीजन का रेशियो कम हो जाएगा, जिससे हमें ब्रीथ में प्रॉब्लम होगी. ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कैसे ब्रीथ करते हैं, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू लीफ. बेटा हमने देखा है कि हमारी स्किन पे जब लेंस से हम देखेंगे, तो हमारे भी स्किन पे क्या है? पोर्स हैं. ओके, छोटे छोटे पोर्स हैं. ओके, उन्हीं पोर से स्वेट निकलता है, हमारा जो पसीना निकलता है उन्हीं पोर से स्किन से बाहर आता है. उसी तरह से लीफ के ऊपर भी आपको स्मॉल पोर्स मिलेंगे. जब हम लेंस से देखेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे इसको, तो पोर्स, नंबर ऑफ पोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. किसके ऊपर? लीफ के ऊपर. तो इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. इसी स्टोमेटा के थ्रू लीफ क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी. और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस होगी, व्हेन दिस प्रोसेस टेक प्लेस द प्लांट, देन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन. उसी टाइम में प्लांट क्या करेगा? रिलीज करेगा ऑक्सीजन, रिलीज करेगा. और यही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? ब्रीथ में काम लेते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो इंटेक क्या करते हैं? प्लांट्स. ओके, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो मींस अपना और प्लांट का जो रेस्पिरेशन है, वो जस्ट ऑपोजिट है. ओके बेटा, तो ये थी आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बिवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स. देखो बेटा, डिफरेंट एनिमल्स, ह्यूमन इज ऑल्सो ए एनिमल, सोशल एनिमल हम कह सकते हैं. ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, वी हैविंग ब्रेन, सो दैट्स वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल. ओके, तो बात करते हैं कैटेगरी की. तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? ये क्लासिफिकेशन हुआ है फूड ईटिंग बेसिस पे, क्योंकि डिफरेंट एनिमल का ईटिंग हैबिटेट क्या है? डिफरेंट है. ओके, तो उसी हैबिट, ईटिंग हैबिटेट पे हमने थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किया है एनिमल्स को. ओके, तो बात करते हैं हर्बिवर्स की. कौन से एनिमल्स की? हर्बिवर्स. हर्बिवर्स जो टर्म बना है वो कहाँ से बना है? हर्ब क्या होता है? जो मीन्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं हर्ब्स. तो हर्बिवर्स मीन्स एनिमल्स हु ईट ओनली एन ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. दोज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बिवर्स. हर्बिवर्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं, या फिर प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है ना. वो सारे एनिमल्स कैसे होंगे? हर्बिवर्स. तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, नेम बताओ मेरे को, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं, बताओ. काउ, ठीक है ना, काउ. गोट, ठीक है ना. तो ये एनिमल्स आपके क्या हैं? हर्बिवर्स हैं. हर्बिवर्स मीन्स द एनिमल हु ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बिवर्स. ओके, बात करते हैं कार्निवर्स की. कार्निवर्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो मीट पे, फ्लैश पे डिपेंड रहते हैं. कार्निवर्स मीन्स दैट टाइप ऑफ एनिमल्स हु ईट अदर एनिमल्स. ओके, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड
कार्निवर्स, ऐसे एनिमल्स के नेम बताओ जो क्या करते हैं, अदर एनिमल को ही खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। कौन से हो गए वो? वो हो गए आपके टाइगर, लायन, ओके। तो ये आपके हो गए कैसे, कार्निवर्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मीन्स बेटा जो ये दोनों खा सकते हैं, जो हार्बिवर्स और कार्निवर्स दोनों की कैटेगरी में आते हैं वो क्या होते हैं, ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मीन्स वी आर ओमनिवर्स ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग देखो हम देखते हैं कि कुछ तो क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं प्योर, और कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन मीन्स मीट वगैरह कुछ ह्यूमन्स भी खाते हैं, और कुछ क्या होते हैं बिल्कुल प्लांट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड रहते हैं, दैट इज वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। तो ओमनिवर्स मीन्स द टाइप ऑफ एनिमल्स हु ईट प्लांट एज वेल एज फ्लेश एंड मीट ऑफ अदर एनिमल्स, दैट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मीन्स क्या हो गया, ऐसे एनिमल्स बेटा जो क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और या फिर दूसरे एनिमल्स को भी एज ए फूड वो खाते हैं। मीन्स क्या हो गया, ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग, डॉग, कैट, ओके, दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म्स ऑल्सो। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर इन टूडेज लेक्चर। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज देयर, देयर विल बी अ हॉलीडे in the online classes from tomorrow onwards and up to Monday. Okay, beta? And your next online class will be on Tuesday. Okay? Thank you and have a nice day. Take care, beta.